परिवार के सदस्य जो यहाँ हैं, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जी, रीटा बहुगुणा जोशी जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, सलीम शेरवानी जी, शैलेश पाठक जी, प्रभु तिवारी जी, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब आपने हमें चुना, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा कि अगर दिल्ली में सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की सरकार, गरीबों की सरकार, पिछड़ों की सरकार होगी। हमारे विपक्षी दलों ने कहा कि हिंदुस्तान चमक रहा है, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया उन्होंने। सुना आपने नारा इंडिया शाइनिंग का? अंग्रेजी में नारा दिया था, और इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान चमक रहा है। आपने उनसे कहा भैया हमारे घर में लाइट नहीं है और आप कह रहे हो हिंदुस्तान चमक रहा है। आपने कहा किसान के खेत में पानी नहीं है, आप कह रहे हो हिंदुस्तान चमक रहा है। शायद आपका हिंदुस्तान चमक रहा है आपके बड़े बड़े घरों में, आपकी एसी वाली गाड़ियों में, मगर गांव में, झुग्गी झोपड़ियों में हिंदुस्तान नहीं चमक रहा। हमें आम आदमी की सरकार चाहिए। मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाइए, सोनिया जी की सरकार लाइए। और 2004 में कांग्रेस पार्टी जीती। हमने क्या किया? सबसे पहला कदम रोजगार योजना। हमने कहा देखो भाई, शहरों में रोजगार होता है मगर जो हमारे गांव है वहां रोजगार नहीं होता। हमारे लोगों को गांव से जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है, पलायन होती है। तो क्यों ना हम रोजगार को गांव में पहुंचाए। और हमने दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार प्रोग्राम चालू किया। क्या कहा? 100 दिन का रोजगार है 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए जो भी मजदूरी करना चाहे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसे हम 12,000 रुपए साल के देंगे। किसी भी प्रदेश में चले जाओ जहां कांग्रेस की सरकार है, केरल चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हरियाणा, आसाम चले जाओ, पूछो गांव में मनरेगा से क्या फायदा हुआ। जनता आपको बताएगी जितना फायदा मनरेगा से हुआ और किसी प्रोग्राम से नहीं होता। जनता बताएगी कि पहली बार गांव में रोजगार पहुंचा। जनता बताएगी कि हमारी इज्जत की। और यहां क्या हुआ? यहां मायावती जी ने ऐसे स्टेट से बोला, 9 अक्टूबर 2007 में उन्होंने बोला कि मनरेगा से किसी का फायदा नहीं होगा। सही बोला, यूपी में मनरेगा से किसी का फायदा नहीं हुआ, आम आदमी का नहीं हुआ, उनके मंत्रियों का जरूर हुआ, उनका जरूर हुआ, उनके कार्यकर्ताओं का जरूर हुआ। और वो जो लखनऊ में उन्होंने हाथी बैठा रखा है, नोट खाने वाला हाथी, उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। जादू किया है मायावती जी ने। आमतौर से हाथी सड़क पे चलता है, पत्ते और घास खाता है। इन्होंने हाथी बनाया लखनऊ में, ये नोट खाता है, रुपया खाता है आपका और चलता है। कमी क्या है? कमी है कि आपके जो नेता हैं, मुलायम सिंह यादव जी थे, मायावती जी जो है, ये आपके बीच में अब नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते। मुलायम सिंह जी पहले जाते थे मगर अब नहीं आते। जिस प्रकार से जानकारी हुआ करती थी अब नहीं रही।
जब तक एक नेता गांव में ना जाए, जब तक वो आपसे बात ना करे, जब तक वो आपके घर में भोजन ना खाए, आपके जो कुएं का गंदा पानी होता है जब तक वो उसको नहीं पिए, तब तक गरीबी की समझ नहीं आती। मैं जाता हूं, आपके बीच में जाता हूं, कभी किसी गांव में पहुंच जाता हूं, खाना खा लेता हूं, कुएं का पानी पी लेता हूं, कभी कभी मुझे दिखाई देता है कि भाई गंदा है, और मैं कहता हूं अगर वो पी रहा है तो मैं भी पी लूं, दो दिन बीमार हो जाऊंगा, क्या हुआ है? भैया तुम संघर्ष करो, सुनो सुनो सुनो, दो दिन बीमार हो जाऊं तो क्या हो जाएगा, क्या बड़ी बात है? मगर मेरे दिमाग में घुस जाएगा कि गरीब व्यक्ति को गंदा पानी पीना पड़ता है, और जब वो मेरे दिमाग में घुस जाएगा तो जब मैं दिल्ली में काम करूंगा तो मैं कहूंगा भैया किसानों को पानी की समस्या है, गरीब व्यक्ति को पानी की समस्या है। आजकल के जो नेता हैं गाड़ी में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मैं भी हेलीकॉप्टर में घूमा हूं, ऊपर से सब अच्छा दिखता है, लखनऊ से गांव बहुत सुंदर लगते हैं, मगर गांव के अंदर जाओ, झोपड़ी के अंदर जाओ, एक रात वहां सो लो, रात को दबा कर जब मच्छर काटेंगे तब गरीबी की समझ आती है। लखनऊ में क्या होता है, जब एक मच्छर काटता है तो वहां फ्लिट लगा देते हैं, मच्छर को मार देते हैं, और फिर जो बड़े नेता होते हैं उनको लगता है कि भैया जैसा हमारा यहां चल रहा है वैसा गांव में चल रहा है। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, कुछ दिनों पहले मेरा एक दौरा हुआ, सड़क पर मुझे एक अस्पताल मिला और अस्पताल की पुताई हो रही थी, पेंटर आए हुए थे पेंटिंग कर रहे थे। मैं उतरा, मैंने पूछा भैया मैं अंदर जा सकता हूं आपका चमकता हुआ अस्पताल में देखना चाहता हूं, वहां जो काम कर रहा था उसने कहा भैया आप एमपी हैं जाइए, आपको रोक नहीं सकते। मैं घुस गया अंदर, डॉक्टर ढूंढे मैंने, एक डॉक्टर नहीं मिला, फिर मैंने कहा भाई डॉक्टर नहीं है तो पेशेंट तो होंगे, पेशेंट ढूंढे, पेशेंट नहीं मिले, अंदर मुझे कुत्ते मिले, चार पांच कुत्ते मिले अस्पताल के अंदर। बाहर आया, मैंने उनसे कहा भाई ये क्या मजाक बना रखा है, अस्पताल के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, डॉक्टर नहीं है पेशेंट नहीं है, आपने इसके सामने 500 गज की सड़क बना रखी है और ये आप पेंटिंग कर रहे हैं, ये आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा देखिए राहुल जी 500 गज दूर वहां पे हेलीपैड है, ये हमने सड़क हेलीपैड तक बनाई है, हार्ड टॉप सड़क है, वहां पे मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा दो तीन दिन में, मायावती जी सड़क से आएंगे और इस अस्पताल को देखेंगे और फिर वो चले जाएंगे, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, हम बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी सरकार चलाई जाएगी, जो जानकारी आपके नेता को होना चाहिए होनी चाहिए वो नहीं, वो आते नहीं है आपके बीच में, दूर दूर से डिसीजन ले लेते हैं। मायावती जी लखनऊ में फंसी हुई है, बुंदेलखंड में सूखा है, लोग मर रहे हैं, खाना नहीं, पलायन हो रहा है, हमने बुंदेलखंड पैकेज दिया 3,000 करोड़ रुपए का, एक रुपया नहीं पहुंचा। मायावती जी के अधिकारी ने उनसे कहा कि भैया सब पैसा पहुंच गया, एक रुपया नहीं पहुंचा। जब हमने बात उठाई उन्होंने मजाक उठाया, कहा भैया कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। मनप्रीत सिंह अहलूवालिया जी गए प्लानिंग कमीशन के, हैं वो, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कहा भैया यहां पर तो बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है, सब गलत है। मायावती जी ने कहा ये कैसा आरोप लग रहा है मुझ पर। अब वो शायद सचमुच में सोचती है
कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से प्रगति आ रही है, क्योंकि वो लखनऊ से निकलती है। मगर अगर वो गांव में जाती, आपके पास आती, आपसे बातचीत करती 2 मिनट, उनको समझ में आ जाता भैया यहाँ पे कुछ मुश्किल हो रही है।